तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है, जो कि ईमानियात पे मबनी है, उसका लेक्चर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। दो बड़े लेक्चर्स हो चुके हैं इंशाल्लाह। जो दूसरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है शिर्क के ऊपर, इस पे क्विज इंशाल्लाह आज आपको शेयर कर दिया जाएगा, उसकी डेडलाइन भी होगी इंशाल्लाह। अगला टॉपिक भी हम शुरू करते हैं, वो है ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको कोर्स का, तो हमने बताया था, वादा किया था उस वक्त कि असल मकसद यह है कि हमारा अमल जो है वो बेहतर। बाकी सब ये जो डिस्कशंस हैं, ये सब बातें, इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है अगर हमारा अमल इससे दोस्त ना हो सके। तो इस एंगल से देखा जाए तो एक तो वो टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया है शिर्क फिल अमल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर हम अमल की इस्लाह करना चाहते हैं तो वो सारी सारी बातें हमें अच्छी तरह समझ नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट ऑफ ईमान है, टेनेंट ऑफ ईमान है, यानी ईमान का जो सबसे बड़ा रुकन है, इस हवाले से जो डायरेक्टली बराह रास्त हमारे अमल को चेंज कर सकता है, वो है ईमान बिल आखिरा। इसलिए निजाती लिहाज से देखा जाए तो ईमान का सबसे अहम रुकन ईमान बिल्ला। आइडियोलॉजिकली देखें, नजरियाती तौर पर देखें तो तौहीद को समझना बहुत जरूरी है। वो तो जैसे हमने बात की थी कि हमारे दीन की जो है वो बैकबोन, अगर वो नहीं समझ आएगा तो दीन समझ नहीं आ सकता, खत्म। लेकिन अमल का, अगर अमल में निखार पैदा करना है तो याद रखें ईमान बिल आखिरा को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि किरदार जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ईमान बिल आखिरा के साथ। ईमान बिल आखिरा में जर्रा बराबर भी रखना पड़ गया, डायरेक्टली इम्पेक्ट होगा किरदार को। इसको इसको ध्यान में रखें, इसकी इंपॉर्टेंस को, ईमान बिल आखिरा जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। इसकी मैं दलील के तौर पर आपको कुछ सहाबा किराम के कुछ वाकयात पेश करना चाहता हूँ कि उनका एहसास क्या था आखरत के बारे में। ईमान बिल आखरत उनका कितना रिफाइंड था सिर्फ एक एहसास पैदा करने के लिए, और हमारा ईमान बिल आखरत क्यों जो है इतना गैर मौसर है। ठीक है, उसको तो हम देखेंगे तफसील से, ये क्यों का जवाब तो देना है हमने, लेकिन क्या तो पहले देख लेना कि उनका ईमान बिल आखरत क्या था, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इतना किरदार बुलंद क्यों था उनका। एक बड़ा बड़ी खूबसूरत रवायत है, माज़ इब्न जबल से के से मुतालिक है, उनसे मरवी भी है, नस्ल नियामत में मौजूद है। क्योंकि के साथ वो किसी लश्कर में जा रहे थे। अब देखें, जहाद के लिए जा रहे हैं, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब महबूब अमल है जहाद की लिए। और माज़ इब्न जबल की आपको पता है कि उनका मुकाम क्या है। आप ने खुद सुनाया कि आलमहुम अल हलाल वल हराम माज़ इब्न जबल, तुम में सबसे ज्यादा हलाल और हराम का जानने वाला माज़ इब्न जबल। इतने बड़े फकीह, सहाबा में भी कुछ फुकहाए सहाबा थे, उनमें इनका शुमार होता है। आप से मौका मिल गया इस दौरान, तो उन्होंने क्या पूछा आप से, या रसूलुल्लाह एज़ली अस्अलुका अन कलिमतिन कद अमरज़तनी व असकमतनी वो अहजनतनी। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपसे एक मसला पूछूं, इस मसले पे सोच सोच के मैं मरीज बन गया, वो असकमतनी, शदीद बीमार हो गया। वैसे तो मरीज बन गया वो तो पहले बता दिया, लेकिन एक तो हल्का मर, एक होता है हल्का मर्ज और एक होता है अच्छा खासा, जिसे कहते हैं मर्ज तारी हो जाए। तो अमरजती व असकमतनी व अहजनतनी, शदीद गमगीन हो, यानी एक मसला ऐसा है जिसने मुझे बीमार कर दिया, मैं उस पर सोच सोच के बीमार हो गया। अब आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या मसला था। हमारे लिए तो खैर और बड़े मसाइल हैं, ठीक है, हमारे लिए अपनी जॉब का मसला है, हमारे लिए बच्चों का मसला है, हमारे लिए और बड़े बड़े मसाइल हैं। ठीक, ये मसला जो इनको लाहिक है वो हमें तो पता भी नहीं, उस मसले का हमें एहसास भी नहीं। वो क्या मसला था? फ़क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लम ने फरमाया सलनी अम्मा शेता, जो भी आप जिस बारे में पूछने जाते हैं पूछो। क़ाला या नबी अल्लाह, ए नबी नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हद्दिसनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्नता ला अस्अलुका अन शैइन गैर, मैं एक ही मसला पूछता हूँ, मुझे बता दें मैं जन्नत में कैसे दाखिल। मुझे ये वो मसला है जिसमें मैं सोच सोच के मरीज बन गया, जन्म से कैसे बचूं, जन्नत में कैसे जा सकता हूं। अब अंदाजा होगा आपको कि फिर अमल इतना बुलंद क्यों था कि सब कुछ करने के बावजूद सहाबा कराम इसमें खदशात थे उनके जहन में कि हम जन्नत में कैसे जा सके। ठीक
जन्नत में कैसे जा सकते? तो कहा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखिन तखिन तखिन, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खुश हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल से, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही मसले पे, लकद सअलत बिअज़ीम, तूने बहुत बड़ी बात, तूने बहुत बड़ी बात पूछी है, ठीक है, लकद सअलत बिअज़ीम, तीन दफा इसको फरमाया, वही बखिन बखिन बखिन, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, भी तीन दफा ये भी फरमाया, बहुत बड़ी बात तूने पूछी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात पूछी, यानी यही मसला होना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में पूछा जाए। फिर उसके बाद आप ने फिर उसका जवाब दिया, उस पर तो मैं अभी नहीं जाता, वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं, आगे बात हम करेंगे उसकी। तो आप खुद सोच रहे हैं कि नजदीक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े बड़े सहाबी, आपको पता है फिक्र आखरत के हवाले से उनका क्या दर्ज अमल था, अबू ज़र गफारी जो थे, एक ने उनको एक वाज किया और कहा कि सहाबा कराम के सामने उन्होंने वाज किया कि जो आप फरमाया कि मुझे जो गैब की बातें पता है तो मैं मालूम हो जाए तो तुम ज्यादा रो और कम हंसो, और भी बड़ी बात निशात फरमाई। उससे फिर अबू ज़र गफारी जो थे उन्होंने फरमाया काश मैं एक दरख्त होता जो काट दे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक का जो है एक बड़ा मशहूर कौल है कि वो कहते थे कि दरख्त पर एक परिंदे को बैठा देखा जब उन्होंने, तो कहा तेरे लिए कितनी खैर है परिंदे, तू फल खाता है और दरख्त पर बैठता है, काश मैं एक फल होता जिसको परिंदे खा लेते। इस तरीके से उन्होंने खताब का एक कौल है जो मिलता है कि वो फरमाते हैं कि जमीन से एक तिनका जब उठाकर उन्होंने कहा कि काश मैं एक तिनका होता, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं भूला फसला होता। और अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु थे उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर का एक मेंढा होता, घर में कोई मेहमान आता और मुझे ज़िबा कर दिया जाता और घर वाले मुझे खा लेते। ये एहसास देखे कैसे, काश कभी हमारे दिल में ये हसरत पैदा हुई, क्योंकि हमें हमें हमारा ईमान बिलआखिरत जो है उसमें कोई खराबी है, बहुत बड़ी खराबी। ये क्या वजह है, अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट से कि ये क्या वजह है कि सहाबा किराम इतना कुछ करते थे, इस उम्र में खिताब जैसे सहाबी अशरा मुबशरा में सारी जिंदगी दीन के लिए लगाई, जब अपने बिस्से मर्ग पर थे, यानी अपने बेटे अब्दुल्ला से पूछते हैं, इससे कहते हैं जब उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पर बहुत परेशानी के आसार हैं, आपने आप तो बहुत नेक हैं, आपने बहुत काम किए हैं दीन के लिए वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा खुदा ही कसम उमर खताब जो है वो असाबुल अराब में भी हुए तो उमर खताब, यानी उमर अपने बारे में कहते हैं, अगर उमर असाबुल अराब में भी हो तो बड़ी बात हो। ये क्या एहसास था उनको कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो ये समझ रहे थे कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतनी परेशानी उनको लायक थी और हमने कुछ भी नहीं किया, इसके बावजूद इतनी टेंशन फ्री क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है। सदी का तना बमाती है उनके, उनसे भी ये कॉल है, काश मैं दरख्त होती जिसको काट,